चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। यार ये नाश्ता किसने बनाया है? किसने नहीं पुत्र, मैंने बनाया है। आपको अंडे बनाने नहीं आते माँ जी? नहीं पुत्र, मुझे सिर्फ अंडे पकाने आते हैं। क्यों, क्या हो गया? कच्चे हैं महमूद साहब। ये कच्चे नहीं है, ये तो बहुत पक्के हैं। ओ माँ जी, मैं इस अंडे की बात नहीं कर रहा, मैं इस अंडे की बात कर रहा हूँ। ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खा ले। वो क्या? अंडे। लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं? हाँ पुत्र, मैं तो बाबर को पहले ही कह रही थी कि रात ही को वो करके सो जाए। महमूद। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रही थी कि रात ही को महमूद करके सो जाए। चलो तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तबीर 12 बज रहे हैं यार। जा कहाँ रही हो? मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ मार्केट। इसका मतलब है पापा जी ने पैसे भेज दिए हैं, लाओ मेरा जेब खर्च। शट अप नबील, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, उन्होंने सिर्फ हमारे लिए जेब खर्च भेजा है ना। आप लोग कोई काम क्यों नहीं करते? उन्होंने इतने ज्यादा पैसे भेज दिए हैं। मैं जा रही हूँ। जानू, बच्चों को स्कूल से कौन लाएगा? नबील, आज उनका स्पोर्ट्स डे है, स्कूल में देर हो जाएगी। मैं वापसी में उन्हें पिक कर लूंगी। थैंक गॉड, जानू अब मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब मैं आराम से बैठ के टीवी देखूंगा। बाय बाय जानू। आओ हम भी चलकर आराम करते हैं। आप कौन है भाई? सलाम वालेकुम। ये आपका नाम है? नहीं नहीं, मेरा सलाम है। वालेकुम सलाम। बाहर बारिश हो रही है? हमारे जूते गीले हैं क्या? आपके जूते गीले होते हैं तो बाहर बारिश होती है? नहीं नहीं, बारिश होती है तो जूते गीले होते हैं ना। उशी उशी। एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? बारिश का? नहीं नहीं, फ्रिज का। नहीं भाई, हमारा तो फ्रिज ही खराब है। हाय दे देना ना। अब इतना भी खराब नहीं हुआ है कि तुम्हें उठा के दे दे। बड़ी ही बदतमीज औरत है। गिलास पानी मिल सकता है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। वो एक गिलास पानी पीने के बाद ठीक हो जाएगी। कौन? गाड़ी। नहीं नहीं, पानी तो मैं बेबी के लिए मांग रही हूँ। बेबी गाड़ी में? नहीं नहीं, बेबी तो ये रही। कहाँ? अरे यहाँ। इनके पास है? इनके पास नहीं है, ये खुद ही बेबी है। इतनी बड़ी बेबी? लगता है तुम फिल्में नहीं देखते। फिल्मों में इतनी बड़ी बेबी होती नहीं है। नहीं, बेबी फिल्मों में आती है। कौन सी फिल्मों में आई है ये? एक गिलास पानी पिला दो। ये कौन सी फिल्म है? अरे भैया, हम पानी मांग रहे हैं। इनका नाम क्या? ये बेबी है, इनका नाम भी बेबी है, और मैं बाजी हूँ। आपका नाम भी बाजी है? अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? आपके मुंह से। लेकिन मैंने तो बताया ही नहीं। आपका मुंह देख के पता चल गया। वो असल में बेबी और हम शूटिंग पर जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई, बेबी को प्यास लग रही थी। वो असल में बेबी ज्यादा देर धूप में खड़ी नहीं रह सकती ना। इनका रंग ना खराब हो जाए इसलिए। नहीं नहीं, इनके पाँव में दर्द होते हैं ना। हमने प्रोड्यूसर को फोन कर दिया है, वो गाड़ी भेज रहे। बुरा ना माना तो तब तक हम अंदर बैठ जाए। अरे आइए ना, आज तो बेहतरीन मौका है, मेरी बीवी भी घर पे नहीं है। आए आए आए। चलो बेबी आज 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 इसको बंद कर ले, अंदर हमने छत डलवाई हुई है, बिल्कुल धूप नहीं है। आजे आजे आजे, ये ले ये ले, आज आए प्लीज, आए आए ना, आप भी आए आए। माशाल्लाह आजे, ऐसे लग रहा है आप दोनों रात तरबूज में सोई थी। आ जाए बाजी, चश्मा उतार ले, मैं तो सूरज को अंदर आने नहीं देता। उतार ले इसको। घर तो बहुत बड़ा है तुम्हारा। हाँ जी, घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे भरने वाला कोई नहीं। क्यों, कमाते नहीं हो क्या? नहीं जी, मेरा मतलब है घर में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बस मैं हूँ और मेरी तन्हाई। लौंडा थर की भी है और अमीर भी। जी 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 जी। बैठे ना प्लीज, आप लोग बैठे ना। तो आप फिल्मों में काम करती हैं? मैं नहीं, बेबी फिल्मों में काम करती है और मैं बेबी के काम करती हूँ। बेबी फिल्मों में क्या काम करती है? जो प्रोड्यूसर बोलते हैं। लेकिन बेबी क्यों नहीं बोल रही? बेबी कैसे बोल सकती है? क्यों, बेबी गूंगी है क्या? नहीं, बेबी की बाजी जो है बोलने के लिए। मुझे आपकी आवाज सुननी है। लड़के, बेबी को प्यास लगी है। हाँ तो पी ले, सामने किचन है। बेबी खुद पानी नहीं पीती। तो क्या इनकी जगह कोई और पानी पीता है? नहीं नहीं, बेबी को तो पानी पिलाते हैं ना। कौन पिलाते हैं? बेबी जिसको भी बोलती है वो पिला देता है। बेबी बोलती भी है? हाँ, सिर्फ डायलॉग बोलती है। बेबी बोल के दिखाओ। मुझे तुमसे प्यार है शकील। मेरा नाम नबील है। कौन आया है नबील?
मैमू साहब आप अंदर जाएं। अंदर क्यों भाई? मेरे मेहमान आए। अरे तो अपने मेहमानों से मुझे भी मिलवाओ ना। नहीं वो पर्दा करती है, पर्दा करती है। कपड़ों से तो नहीं लग रहा? नहीं वो कपड़ों से पर्दा नहीं करती, वो मर्दों से पर्दा करती है। वो जो मर्दों से करती है वो पर्दा है? हाँ जी। तो फिर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ भी करूँ आपको इससे क्या? आप अंदर जाए। ए लड़के कौन है? अरे हटा तुम यहाँ से। मैं जी महमूद, ये मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा। अरे भाई आ जाइए, हमारा तो काम ही लोगों से मिलना मिलाना है, जरा टाइम पास हो जाएगा। आज क्यों बेबी? सुन लिया तुमने, छोड़ो मुझे। महमूद साहब मेरी बीवी घर पे नहीं है, आपकी तो है ना यार। अरे छोड़ो यार, वो मुझे बुला रही है। महमूद साहब। लड़के तुम अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? अरे जाओ ना उनके लिए, तो पानी वानी लेकर आओ और आराम से आओ। टैंकर ना ले आऊं पूरा? जो भी लाना है आराम से लेकर आओ। आप फिल्मों में क्यों नहीं काम करती? मैंने जमाने में बड़ा काम किया है। आप अब भी कम नहीं है? हाँ अब तो मैं थोड़ी ज्यादा हूँ। वैसे बेबी अभी कौन सी फिल्म कर रही है? गुज्जर मेरा बाप। आपका बाप गुज्जर है? नहीं नहीं, बेबी की फिल्म का प्रोड्यूसर गुज्जर है। तो वो बेबी का बाप है? कौन? प्रोड्यूसर। बेबी कुछ बोलो ना। मुझे तुमसे प्यार है शकील। महमूद, हीरो का नाम शकील है ना? कैसा नाम है ये? देखिए हीरो का नाम ना कोई स्टाइलिश होना चाहिए, जैसे कि महमूद। हाँ महमूद होना चाहिए हीरो का नाम। हाँ ये आइडिया ठीक है। हेलो प्रोड्यूसर साहब, हीरो का नाम महमूद रख लीजिए। थैंक यू। महमूद साहब आपको माजी बुला रही है। इनकी माँ जी जिंदा है? नहीं नहीं, मेरी माँ जी जिंदा है। तो तुम्हारी माँ इनको क्यों बुला रही है? क्योंकि ये मेरी माँ के शौहर है। यानी कि तुम्हारे बाप? नहीं नहीं, मेरा बाप तो कोई और था। आपकी फैमिली तो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है। क्यों बेबी? ओ जाइए ना महमूद साहब। यार जा रहा हूँ नबील, लेकिन 5 मिनट में वापस भी आ रहा हूँ। अल्लाह करके आपकी घड़ी खराब हो जाए। आपकी जिंदगी में बहुत जल्द नबील नाम का हीरो आने वाला है। हाँ शीदा साहब, क्या हुआ? भाग गया? हीरो भाग गया? अरे बेबी तो कराची आ गई है ना, बेबी की डेट जाया हो जाएगी। सोच ले, बेबी ने बाहर भी जाना है, उसे इंडिया से भी ऑफर है फिल्म की। नहीं तो क्या हुआ, ऑफर तो है ना। बेबी कुछ नहीं जानती, बेबी को तो हीरो चाहिए आज ही। बस जब हीरो मिल जाए ना तो हमें गाड़ी भेज दीजिएगा, हम बुलबुल वाले घर पर हैं, मैं भी और बेबी भी। अच्छा खुदा हाफिज। क्या हुआ? बेबी का हीरो भाग गया है। नहीं हौसला रख बेबी, वो आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए हीरो बन जाता हूँ। तुम कैसे हीरो बनोगे, तुम तो पढ़े लिखे हो, हीरो तो गांव का गंवार है। मुझसे ज्यादा गंवार नहीं हो सकता। बेबी बोलो ना। मुझे तुमसे प्यार है शकील। नबील, हमारा हीरो तो लाचा पहनता है और डंडा हाथ में लेके घूमता है। शकील नवाया है सोनिया। नहीं नहीं, ये तो 10वें है। महमूद साहब कैसी लगी मेरी एंट्री नबील? आप तो एकदम बेबी की फिल्म के हीरो लग रहे हैं। अरे मैं इनसे ज्यादा अच्छा लग सकता हूँ? नहीं नहीं, बेबी का हीरो इतना ही मोटा और मनहूस है। सच? हाँ। अरे तो फिर बात करें ना प्रोड्यूसर साहब से। शीदा साहब मुबारक हो, हीरो मिल गए, आप फौरन गाड़ी भेजें। बस। अरे बस क्यों मंगवा रही हैं? मैं कार में आ जाऊंगा। माँ जी जलता है मुझसे। माँ जी। हाँ पुत्र नाइल बोल। ओ माँ जी मेरा नाम नबील है यार। हाँ तो तू मुझे ये बताने आया है? ओ नहीं यार। फिर देखे अपने शौहर को? उन्हें तो मैं रोज ही देखती हूँ पुत्र, आज तो कुछ और ही दिखा मुझे। कुछ और ही दिखाने आया हूँ, पहले बाहर तो आए माँ जी। बाहर क्या है? कोई फिल्मी हीरोइन आई हुई है माँ जी। फिल्मी हीरोइन? हाँ माँ जी, महमूद साहब ने उसे घर बुला के बिठाया हुआ और उसे गप्पे मार रहे हैं। है? ओ माँ जी आपको नहीं पता, ये जो फिल्मी हीरोइनें होती है ना, दूसरों के शौहर खा जाती हैं। महमूद साहब को बुलाएं। चुप है, खबरदार जो फिल्मी हीरोइन के बारे में कुछ कहा हो तो। मैं तो बचपन से ही फिल्मी हीरोइन बनना चाहती थी, तो आज मुझे मौका मिल गया है जवाद। नबील। हाँ आज नबील मिला है पुत्र जवाद। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी सुनिए जी, क्या आप वो है? मैं तो बड़ी वो हूँ, तुम
क्या हीरोइन हो? हाँ हाँ हीरोइन, आप हीरोइन है? मैं हीरोइन की बाजी हूँ। नहीं तो हीरोइन कौन है? ये रही बेबी। ना बेबी नहीं, मुझे हीरोइन से मिलना है जी। ये हीरोइन है, इसका नाम है बेबी। हाय, और ये हीरो है? अरे मोमो, मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर है। ना तो आपके कपड़े कहाँ हैं? ये पहने तो हुए। ना तो आपने ये क्या हुलिया बना रखा है नुसरत? महमूद। हाँ, आपने ये क्या महमूद बना रखा है कुदरत? अरे बेबी, मुझे अपनी फिल्म में चांस दे रही है यार। वशे, मुझे भी ना जवानी में हीरोइन की बड़ी ऑफर हुई थी। फिर राम है जो मैंने कभी पी हो। हाँ महमूद साहब, आप मेरे साथ अंदर आएगा जरा। अरे नबील यार, तुम देख नहीं रहे, मैं इनसे अपनी पहली फिल्म की डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने भी आपसे वही करनी है, आप जरा किचन में आए। मैं जरा आके आपसे फिल्म की कहानी सुनता हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे कितने गाने होंगे फिल्म में बारिश के? हुन बोल जगीरदारा। महमूद साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे। एक्टिंग नहीं, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। मैंने उन लोगों को घर बुलाया था। अरे लेकिन हीरो तो उन्होंने मुझे चुना है यार। महमूद साहब, ये फिल्म मैं करूंगा। अरे तुमने अपनी पहली फिल्म फतेह में कौन सा तीर मार लिया था? तुम देखना, मेरी पहली फिल्म हिट होगी। वो जो आपकी पहली फिल्म होगी वो हिट होगी? हाँ, और मैंने फैसला कर लिया है नबील कि मैं साल में 8-10 फिल्मों से ज्यादा नहीं करूंगा। क्या? हाँ, और हर नई फिल्म में मैं एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, सलमान खान की तरह। हीरोइन तो सिर्फ एक ही है, बेबी। हाँ, तो फिर मेरा क्या होगा है? आपको माँ बनना पड़ेगा। किसके बच्चे की? अरे आपको बेबी की माँ बनना पड़ेगा। कौन बेबी? अरे ये बेबी। हाँ, ये तो खुद मेरी माँ लगती है। कैसी बातें कर रही है, अभी तो बेबी सिर्फ 17 साल की हुई है। बड़ा टाइम लगा दिया उसने 17 साल की होने में है। चले भी चले, बहुत हो गया, चले। लड़के तू अभी तक पानी नहीं लेकर आया? मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, निकलो। खबरदार, जो तूने आपों से बदतमीजी की होए तो। ओ माँ जी, मैंने इन्हें घर में बुलाया, मेरे अलावा इन्होंने सबको कास्ट कर लिया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने फिल्म करनी है? हमारे पास विलन का कैरेक्टर बाकी है। और बोल पुत्र। हाँ, मैं विलन नहीं बनूंगा, मुझे हीरो बनना है। अरे हीरो से ज्यादा सीन बेबी के विलन के साथ है। वो क्यों भाई? क्योंकि हीरोइन विलन से मोहब्बत करती है। प्रोड्यूसर साहब को फोन करके बोले कास्ट तैयार है, शूटिंग शुरू करें। वशे। बेबी ने कहा है कि आप फिल्म से तमाम लोगों को निकाल दे, हमने कास्टिंग कंप्लीट कर ली है। अरे तो बेबी के लिए स्क्रिप्ट दोबारा नहीं लिखवा सकते आप? ठीक है, मैं ले लेती हूँ। क्या बोल रहे था प्लम्बर? प्रोड्यूसर। हाँ भाई, वो कह रहा है कि मैं आपका ऑडिशन ले लूं। हाँ, हम कौन सा डरते हैं ऑडिशन से, ले ले अब, बल्ले बल्ले और ले ले ऑडिशन। कहाँ चलना है? जब तक प्रोड्यूसर गाड़ी भेज रहे यहीं ऑडिशन ले लेते। अरे आहिस्ता बोलो, मुंह मेरा कान उड़ गया है। सीन ये है कि हीरोइन विलन के साथ गाना गा रही है और हीरो की माँ आ जाती है। अच्छा। हाँ, फिर माँ क्या करती है? माँ करती है? अरे नहीं भाई, फिर अब तुम बताओ ना कि तुम क्या करती हो ना। मैं तो डायलॉग ही भूल जाती हूँ। हाँ, ये डायलॉग भूल जाती है और हीरो आके इन्हें डायलॉग याद कराते फिर हीरो हीरोइन को लाइन मारता है, विलन को गुस्सा आ जाता है, वो हीरो को डंडा मार के बेहोश कर देता है। वाह 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 जी, बड़ी डिफरेंट पिक्चर है। फिर हीरोइन विलन को डंडा मारकर बेहोश कर देती है। फिर मैं हीरोइन को लेके फरार हो जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ना इससे पहले जो हो रहा था वो कैसे हो सकता है? अरे आगे तो सुनो ना, हीरोइन की माँ हीरोइन को डंडा मार देती है। नहीं नहीं भाई, नहीं, हीरोइन की माँ भला हीरोइन को डंडा क्यों मारेगी? वो तो डंडा उठाती है और हीरोइन खुद ही बेहोश हो जाती है। बस भाई बस, इतना ही काफी है, चलो हम वहाँ चल के एक्शन शुरू करते हैं। ये उस तरफ जाके जो करना है वो एक्शन है। एक्शन है। आओ तुम तो आओ ना, आओ। आप लोग तो गिरे थे पहले, है ना? बंद कर बगाड़ता ये नाच गाना। मैं तनु चट्टा खा जाऊं ते टिकार ना मारा। विश्वशे, मैं क्या सोने हो,
ਆਏ ਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਐਸ ਕਰਾ ਲੋ ਓਏ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਓਏ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਮੀਨੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ऐसे क्या देख रही है जो बजा तू ले जाना चल अम्मा चलो बच्चों क्या हुआ है क्या हुआ है जानू हटो ना यार ऑडिशन हो रहा है हमारा किस चीज का ऑडिशन जानू हमें फिल्म मिल गई है कहाँ से घर बैठे बैठे पुत्र इन्होंने दी है किधर गई कौन कहाँ गए अरे वो फिल्मी हीरोइन और उसकी माँ अरे वो फिल्मी हीरोइन नहीं थी तो कौन थी चोर थी वो क्या हाँ पता नहीं क्या क्या घर से लेकर भाग गई है क्या कह रही हो खूबसूरत महमूद साहब मैंने अपनी आँखों से देखा है यार बाजी चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है